जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं लास्ट वीक एक ट्रैक पे गई थी, चंद्रखनी ट्रैक पे। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है कि मैं कौन कौन से कैंपिंग गियर लेके गई थी, क्या कॉस्ट था, हमने अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करी थी। मैं वो ये सब इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैग्स से। तो ये है मेरा बैकपैक, ये 90 लीटर बैकपैक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लड़कियों के लिए ये होता है कि हमारा टॉर्सो बहुत छोटा होता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये एडजस्टेबल होना चाहिए। तो ये मैंने बैग डीकैथलॉन से लिया था। जो भी लिंक्स है प्रोडक्ट्स की वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट इस बैग की बेस्ट बात ये है कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपना टॉर्सो के अकॉर्डिंग, जिससे आपका ये बॉटम वाला यहाँ पर आता है जो बहुत एसेंशियल होता है कैरी करने के लिए, वेट हैंडल करने के लिए। उसके साथ साथ मैं लेके जाती हूँ एक डे पैक। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि कैसे आप पैक कर सकते हो लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे डे पैक। उसके बाद मेरा एक कैमरा बैग है जो मैं अपने इस बैक पैक में रखती हूँ। इसमें सारे मेरे गैजेट्स होते हैं, कैमरा गियर्स होते हैं। सबसे एसेंशियल क्वेश्चन कि आप अपना रात कैसे स्पेंड करते हो जब आप पहाड़ों पे होते हो जहाँ पे होटल्स नहीं होते, रहने की जगह नहीं होती। तो ये है मेरा स्लीपिंग कैंप टेंट। ये दो लोगों का स्लीपिंग कैंप है, ये अगेन डीकैथलॉन से है। मेरे को एक्चुअली गिव अवे में मिला था, इंस्टाग्राम में डीकैथलॉन का गिव अवे चल रहा था। ये केचुआ का है, 2.6 केजी है, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा हैवी होता है 3 केजी जब आप ऊपर लेके जाते हो, बट ये काफ़ी स्टर्डी है, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। मैंने कजाकिस्तान की ट्रिप्स में भी यही टेंट यूज़ किया था। उसके अलावा ये आपका स्लीपिंग बैग, जिसमें आप रात को अपना बॉडी अंदर या एक ब्लैंकेट की तरह इसको यूज़ करके स्लीपिंग टेंट के अंदर सोते हो। इस स्लीपिंग बैग की बेस्ट बात यह है कि आप ऐसे भी लेके चल सकते हो, बैग में डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस ये आपका अलग से एक बैग बन सकता है और ये नेगेटिव टेम्परेचर्स में चलता है। उसके अलावा एक स्लीपिंग पैड होता है जो हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, बट अगर आपको एक स्लीपिंग पैड में भी इन्वेस्ट करना है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो आपका नीचे का बेस लेयर होता है कि आपको नीचे लैंड से ठंडना है, तो वो भी काफ़ी एसेंशियल होता है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरा इसमें काम हो जाता है। और इसके अलावा ये है मेरा पिलो, इसको इन्फ्लेट करना होता है यहाँ से, और ये आपका रोल भी हो जाता है, तो अगेन ये कोई स्पेस नहीं लेता, रोल हो जाता है। और जब आपको रात को एक पिलो चाहिए तो दिस वर्क्स वंडर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एसेंशियल थिंग विच इज़ आर किचन। तो हम यूज़ करते हैं ये स्टोव, आई थिंक हार्डली मैं कोई और स्टोव को जानती हूँ जो इतनी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस स्टोव की बेस्ट बात यह है कि आपको इसके लिए गैस नहीं चाहिए, आप नेचुरल वुड या ड्राई लीव्स यूज़ करके आग जला सकते हो। बट एक छोटी सी दिक्कत इस स्टोव के साथ ये है कि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो तो आपको ड्राई लीव्स और वुड इतनी ईजीली मिलता नहीं है, बट उसका एक ऑल्टरनेटिव है इसी स्टोव के अंदर। आप छोटे से अल्कोहल या केरोसिन बॉल्स लेके जा सकते हो, जिससे लाइट करना फायर बहुत बहुत ईजी होता है। इसके अंडर एक अलग से अल्कोहल बॉल्स या केरोसिन बॉल्स का सेक्शन है, जिसपे आप एक बॉल रखोगे और आग जलती रहेगी और आपका खाना गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग फॉर वाटर, मैं ये फिल्टर यूज़ करती हूँ क्योंकि आप जब काफ़ी लंबे ट्रैक के लिए जा रहे होते हो तो आपको एक फ्रेश पानी चाहिए होता है, आप ज़्यादा बॉटल्स लेके नहीं जा सकते। उसके साथ ये बॉटल भी वो सेल करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आप अलग से फ़िल्टर भी खरीद सकते हो, जिससे आपका पानी साफ़ हो जाएगा जब आप पहाड़ों से भर रहे होते हो, सारे बैक्टीरियाज जर्म्स सब निकल जाएंगे इस फिल्टर के थ्रू। फॉर मील्स मैं MTR के पैकेट यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑफकोर्स बहुत भूख लगती है और आप वहाँ पर ट्रैक्स में खाना तो बना नहीं सकते। तो ये पैक्ड मील्स हैं जिसमें आपको बस गर्म पानी में इन मील्स को डालना है और आपको रेडीमेड खाना मिल जाएगा। मैं अभी जो पैकेट्स दिखा रही हूँ वो शाही पनीर के हैं, बट आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे पुलाव के, दाल का, राजमा, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रोटी भी लेके जा सकते हो जो आप नेक्स्ट 1 या 2 डेज में गर्म करके खा सकते हो, क्योंकि वो ठीक रहता है 1-2 दिन के लिए। और उसके बाद ये पैक्ड मील्स तो हैं ही, जिसको बस आपको बॉइलिंग पानी में डालना है और आपके ये मील्स रेडी हो जाएंगे। खाने के और भी ऑप्शंस जो मैं लेके जाती हूँ वो है ब्रेड, सैलड, फ्रूट्स। और ब्रेड के ऊपर मैं सिंसम बटर नहीं लेके जा सकते क्योंकि पिघल जाता है, तो मैं चीज़ सैंडविच स्प्रेड लेके जाती हूँ जो वीबा का है और ये बहुत अमेजिंग था। इसको
मैंने ब्राउन ब्रेड पे लगाया था और उसके ऊपर सैलड लगाया था और बहुत ही अमेजिंग मुझे सैंडविच मिल गया था। एक और ऑप्शन आपके लिए कैंप में हो सकता है। फॉर स्नैक्स मैं चॉकलेट्स लेके जा सकती हूँ, जैसे स्नीकर्स। आपको बहुत ज़्यादा नट्स की ज़रूरत होती है बिकॉज आपको एनर्जी चाहिए होती है जब आप चढ़ाई कर रहे होते हो। ये आलमंड बार है, या अगर आपको आलमंड बार नहीं लेके जाना तो आप आलमंड्स भी बहुत सारे लेके जा सकते हो, बहुत सारे नट्स लेके जा सकते हो, चॉकलेट्स लेके जा सकते हो। ये बहुत हेल्प करता है जब आप चढ़ते हो, आपको भूख लगती है और आपको कुछ जल्दी से खाना होता है, तो ये सब काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद आता है यूटेंसिल्स, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैव स्पून विद यू, हैव अ प्लेट। ये मैंने डीकैथलॉन से अगेन लिया था, जो ऐसे फोल्ड हो जाता है, और ये मेरा कैंपिंग कप है फॉर माय टी, फॉर वॉर्म वाटर। अब बारी आती है कपड़ों की, तो पहले मैं बात करती हूँ शूज़। ये अभी मेरे बहुत ही बुरी हालत में, बहुत गंदी हालत में मेरे शूज़ हैं। ये केचुआ के हैं और अगेन ये मैं 4-5 सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इससे बेटर शूज़ हाइकिंग के लिए कोई भी नहीं लगते। ये वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ है एक्चुअली, और स्नो ट्रैकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं बहुत रेकमेंड करूँगी अगर आपको एक अच्छे शूज़ में इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा जब रात को आपको अपने कैंप के बाहर निकलना होता है तो आप बार बार शूज़ नहीं पहन सकते, तो मैं ये चप्पल भी साथ में लेके चलती हूँ। अगर मेरे को कैंप के बाहर निकल के पीक के लिए जाना है या बहुत अर्जेंट काम के लिए जाना है तो चप्पल तब मैं रखती हूँ। उसके बाद सिंस हम समर ट्रैक पे गए थे, ये मेरी समर आउटफिट थी, ये मेरी हाइकिंग आउटफिट थी। ये टॉप मैंने मनाली के लोकल शॉप से लिया था, और ये जो हाइकिंग शॉर्ट्स हैं ये ट्रैकिंग शॉर्ट्स हैं, और ये डीकैथलॉन से हैं। ये आपके समर ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि क्विक ड्राई है, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ब्रीदेबल है जब आप समर में ट्रैक कर रहे होते हो। तो समर ट्रैक्स में आपको वॉर्म लेयर लेके जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात को ठंड हो जाती है, तो उसके लिए मैं मरीनो वूल कैरी करती हूँ। ये मेरीनो वूल सॉक्स हैं, बहुत गर्म है, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ मेरीनो वूल। कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ये बहुत गर्म है, ये एडिशनल फ्लीस की तरह काम करता है। तो आपको आई विल सजेस्ट यू दोनों अपर और लोअर बॉडी के लिए एक मेरीनो वूल में इन्वेस्ट कीजिएगा। जब आप दिन में वैसे हाइक कर रहे होते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेरीनो वूल तो तब मत पहनना क्योंकि आपके पैर छिल सकते हैं, शू बाइट हो सकता है, तो तब वेयर लाइट कॉटन सॉक्स। हीट से बचने के लिए कैप में मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, तो अगर आपने देखा था मेरा चंद्रखणी का व्लॉग, वो इसमें ये सारा कैप मैंने थ्रू आउट पहना था कि मेरे को सनबर्न ना हो, मैं टैन ना हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी टैन होती हूँ। स्मॉल टाल, बड़ा टाल लेके मत जाइएगा, एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा स्मॉल टाल। और उसके अलावा पॉन्चो, ये आपका रेन कवर होता है, अगर बारिश हो रही होती है तो आप ये पॉन्चो पूरी बॉडी में पहन सकते हो। और इस पॉन्चो की बेस्ट बात यह है कि आपका बैकपैक भी कवर कर लेगा, ये बहुत खुला है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। अगेन ये डीकैथलॉन से, सारे लिंक्स नीचे हैं। उसके अलावा ग्लव्स ऑफकोर्स, कैप, बालाक्लावा, और एक वॉर्म जैकेट मैं लेके जाती हूँ ट्रैक्स में क्योंकि रात को बहुत ठंड हो जाती है, स्पेशली जब आपको बाहर जाना होता है प्रॉब्ली खाना खाने, मिल्की वे देखने, सनसेट देखने, तो एक वॉर्म जैकेट बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है। फॉर लेडीज़ मैं एक टिप देना चाहती हूँ, मैं प्योर शेप्ड हूँ, तो बाई प्योर शेप आई मीन इस कि मेरा लोअर पार्ट थोड़ा ज़्यादा कर्वी है कम्पेयर टू माई अपर पार्ट। तो वॉट आई ट्राई टू डू इज़, जो मैं टी शर्ट सीती हूँ वो आई इंश्योर कि वो मेरे वेस्ट लाइन तक रहे, वो लॉन्ग ना हो और वो टाइट हो, क्योंकि अदरवाइज आई विल लुक वेरी शॉर्ट। कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ हाइजीन, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो। आई थिंक ट्रैकिंग का गोल्डन रूल, अनदर गोल्डन रूल एक्चुअली, फर्स्ट इज़ कि ओनली लीव योर फुटस्टेप्स बिहाइंड, सेकेंड गोल्डन रूल इज़ कि इट इज़ ओके टू बी डर्टी। मतलब आई हैव मेड अप माई माइंड इन सच अ वे कि अगर मैं 2-3 दिन नहा नहीं रही या मैं 2-3 दिन साफ नहीं हूँ, इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, मुझे कोई डिसीजेज नहीं हो रही, इट्स कम्प्लीटली फाइन टू बी डर्टी ऑन ट्रैक्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ी बहुत हाइजीन प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हो जिससे आपको खुद को भी फ्रेश लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा ट्रैक करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं योर वन एंड नंबर टू, विच इज़ बेसिकली दिस। सो
इसके लिए क्या होता है, आपको आपका ओपन स्पेस होता है, आपको ओपन ग्राउंड में ही करना पड़ेगा। जब आप एक ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जाते तो आपके पास अवेलेबल नहीं होता टॉयलेट कैंप, तो आपको ओपन ग्राउंड में पत्थर के पीछे जाके करना पड़ता है। फॉर दिस यू हैव टू डग अ होल, उस होल में डंप करके यू हैव टू कवर दैट होल विद द सैंड या वहाँ का जो रॉक्स है। टिश्यू पेपर उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, यू हैव टू डू इट इंग्लिश स्टाइल में, उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके अलावा आप पेपर सोप लेके जा सकते हो, सैनिटाइजर लेके जा सकते हो हैंड साफ करने के लिए। पेपर सोप इज़ द बेस्ट एक्चुअली फॉर गर्ल्स। जब मैं चंद्रखनी ट्रैक कर रही थी, मैं अपने पीरियड्स में थी, तो वैसे तो आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ मेंस्ट्रुअल कप, बट आई एम नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद मेंस्ट्रुअल कप्स, तो मैं टैम्पॉन्स यूज़ करती हूँ। टैम्पॉन्स काफ़ी आपको रिफ़्रेश रखेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे गंदा नहीं लगता बिल्कुल भी। सो आई यूज़ टैम्पॉन्स, और इसका आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको अपने टिश्यू पेपर में रैप करके नीचे लाइएगा। ये डीकम्पोज नहीं होता और बहुत ज़्यादा ट्रेल गंदा हो जाएगा और वहाँ पे कोई साफ़ करने वाला तो होता है नहीं, तो ये आप टैम्पॉन्स रोल करके अपने साथ वापस लाइएगा। इसके अलावा मैं ये फेस वॉश लेके जाती हूँ और वेट वाइप्स लेके जाती हूँ। अगर मेरे को मेरा फेस साफ़ करना होता है और पानी नहीं है तो आई यूज़ वेट वाइप्स, अदरवाइज़ फ़ेस वॉश। और क्रीम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ट्रैक में आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ये छोटी सी मेरी क्रीम्स है, अगेन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। ये मेरा लिप बाम है, ये बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली ठंड में क्योंकि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो सकती है। फॉर सनस्क्रीन मैं SPF 50 यूज़ करती हूँ, 50 इज़ द बेस्ट। अगेन मैं लिंक नीचे दे रही हूँ, ये मैंने Amazon से ख़रीदा था, तो ये आपकी स्किन काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा पेस्ट, सोप, मैं माउथ वॉश भी लेके जाती हूँ जस्ट इन केस पानी नहीं है और मेरे को अपना माउथ वॉश करना है, सो दिस इज़ द माउथ वॉश दैट आई यूज़। मैं ये भी रिकमेंड करूँगी कि आप डीओ और ड्राई शैम्पू बेसिकली जब आपके बाल ग्रीसी हो जाते हैं, जो मेरा बहुत इशू है, मेरे बाल बहुत जल्दी ग्रीसी हो जाते हैं, तो मैं ड्राई शैम्पू लेके जाती हूँ और मैं पाउडर भी लेके जाती हूँ जस्ट टू फील फ्रेश। फ्यू एडिशनल थिंग्स, ये मेरा हेड टॉर्च है। जब आपको रात को बाहर जाना होता है, आपको रात को अपने कैंप में कुछ सामान निकालना होता है, तो ये हेड टॉर्च बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप यहाँ पर लगा के इसको ऑन करके चीज़ें डायरेक्ट करके काम कर सकते हो, बाहर जा सकते हो इस हेड टॉर्च के थ्रू। उसके अलावा ट्रैकिंग पोल, मैंने चंद्रखनी में वैसे ट्रैकिंग पोल लिया नहीं था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी और मुझे ट्रैकिंग पोल में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बट इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन अ ट्रैकिंग पोल। इसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो और इसको फोल्ड भी कर सकते हो, तो अगेन ये अगर आपको ये बैग में रखना है तो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। उसके अलावा सनग्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आँखों पे सन डायरेक्टली जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर मैं पावर बैंक्स लेके जाती हूँ अपने मोबाइल के लिए, गोप्रो के लिए चार्ज करने के लिए, अपने DSLR के लिए मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा बैटरीज हैं कि चार्ज ख़त्म ना हो, क्योंकि मैं बहुत शूट करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ। उसके अलावा आप फर्स्ट एड किट लेके जाइएगा जिसमें एटलीस्ट आपके बैंडेजेस, डेटॉल, बैंडेड हो। और ऑफलाइन मैप्स के लिए, वैसे चंद्रखनी में तो थ्रू आउट नेटवर्क था, कोई नेटवर्क का इशू नहीं था, बट जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, वहाँ पे maps.me जो ऑफलाइन मैप है जो बता देता है आपका ट्रेल क्या है, वो आप डाउनलोड करके लेके जा सकते हो, उसमें आपका फुल ट्रेल आ जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, कि एनिमल्स का डर होता है या नहीं, एक्चुअली में होता है, आई वोंट लाइक टू यू गाइज, बेयर्स होते हैं वहाँ पे। हम जहाँ कैंप कर रहे थे वहाँ बहुत सारे हॉर्सेस थे। इसी टाइम पे बहुत एसेंशियल होता है गाइड का रोल, और इसीलिए जब भी आप हिमालयाज में ट्रैक कर रहे हो, आई विल सजेस्ट यू कि गाइड के बिना तो ट्रैक मत करो। स्पेशली जब 3-4 दिन के ट्रैक्स होते हैं तो गाइड के बिना ट्रैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है ट्रेल का और उनके पास इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो एनिमल्स को भगा सकते हैं, दे कैन प्रोटेक्ट यू। एंड अनदर थिंग इज़ कि जब बॉनफायर चल रहा होता है तो वहाँ पे एनिमल्स ऑटोमेटिकली नहीं आते, बट आपको गाइड लेके जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टॉकिंग अबाउट गाइड के चार्जेस, हमने 1500 पर डे दिया था गाइड को, विच इज़ टोटल बेसिकली मैंने और रचना ने 750 पर डे के हिसाब से हम ट्रैक पे गए थे। उसके अलावा हमारा कोई खर्चा नहीं था, हमारा टेंट,
खुद से था, हमारा खाना खुद का था. ऑफकोर्स आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्लीपिंग बैग में, टेंट में, बट अगर आपको नहीं करना तो मनाली में आपको बहुत ज़्यादा रेंटल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. आप मनाली के मॉल रोड पे जाके ये सब रेंट पे ले सकते हो. बट इनिशियली इन्वेस्टमेंट थी हमारी और हमारे गाइड के चार्जेस 1500 पर डे थे, तो आप इनटू जितने भी नंबर ऑफ डेज ट्रैकिंग किए हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका ट्रैकिंग कॉस्ट है. सो दिस इज़ इट, दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द वीडियो. होप इट वॉज हेल्पफुल. आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स हो गए हैं. ये सारा मेरा कैंपिंग का सामान है जो मैं लेके जाती हूँ. बाकी लाइक शेयर कॉमेंट विद पीपल जिनको कैंपिंग करना है और वो ट्रैकिंग का प्लान करें इन द कमिंग मंथ्स. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम एज यूजुअल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.